देखो सबसे पहले तो मैं अजवाइन जो है इसको डाल रहा हूँ इसमें, और ये काली मिर्च और जो ये लौंग का ये पाउडर है। अच्छा, ये दोनों लौंग और काली मिर्च। हाँ, लौंग काली मिर्च पाउडर है। अब ये है अदरक, अदरक का पेस्ट, अदरक का पेस्ट बना दिया। और ये हल्दी, और ये देखो हल्दी है ना। अब देखो ये गुड़ है ना, गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए इसको। पत्ते छोटे छोटे टुकड़े करके इसको, अरे नीम के पत्ते ही है, नीम के पत्ते। ये अल्डोस्टा है, ये अल्डोस्टा के पत्ते इसमें डाल दिए। छोटे छोटे टुकड़ा कर दो चाहे ऐसे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़े, सब ये। अब देखो ये है अश्वगंधा, ये अश्वगंधा है, जो अश्वगंधा का ये देखो डाल दिए, अश्वगंधा का छोटे टुकड़े कर दिए। देखो नीम गिलो के छोटे छोटे ये टुकड़े कर दिए। अब टुकड़े करके ये भी इसमें मैंने डाल दिए नीम गिलो के, और इसको ढक दिया थोड़ी देर, और ये घंटे भर में अपने आप ही बॉइल हो करके सब सेट हो जाएगा। और फिर देना कितना कितना? ये 100 ml देना है बस, सुबह शाम दो टाइम दे देंगे या 3 टाइम। बकरी पेट को देना खाली? अब बकरी पेट को ही है। किस किस बीमारी में काम आता है ये? PPR में आती है, FMT में आती है, और जैसे ऊन बुखारी भी हो गई, साधारण नाकों में पानी आना, छींक आना, दस्त होना, ऑलराउंडर कह रहे बकरों और बकरियों में ऑलराउंडर है। बाकी नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही फायदा करेगा। आज आपको मैं जो बकरों में अक्सर PPR और खुरपका मुँह पक्का, जैसे बुखार आना, नाकों में पानी आना, जैसे उनके पतले दस्त होना, इनके ऑलराउंडर देसी दवाई होती है वो बता रहा हूँ। यह देसी नुकसान मानो आपको हर घर में हर जगह उपलब्ध हो जाएगा, इसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये आप दोगे तो या 2 या 3 दिन में आपको इसमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो मैं आज सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले तो ये देखो मेरे पास ये है अल्डोस्टा के पत्ते हैं, जो अक्सर ये पहाड़ों में मिलते हैं अक्सर। और ये देखो तो ज़्यादातर कई भी फाड़ में जाओ और वहाँ से तोड़ के ले आओ। और ये मान लो मैं ये 50 बकरों की ये दवाई बना रहा हूँ, तो 50 बकरों में ये ले लिया कम से कम 1 किलो, तो ये पत्ते ले लिया अल्डोस्टा के फाड़ में। फिर उसके बाद में ये है एक अश्वगंधा, ये अश्वगंधा आती है, इसको अपने गांव में तो बोलते हैं इसको पाडल सी, वैसे आयुर्वेद में ये एम औषधि है, इसको अश्वगंधा कहते हैं। ये अश्वगंधा में बीज भी आ गए, पत्ते भी आ गए, ये इसके डंठल भी आ गए, ये इसमें कूट करके डाल लूँगा। उसके बाद कितने लेनी है अश्वगंधा? हाँ, ये अश्वगंधा ये तो हर जगह आप नहीं, कितने ग्राम लेनी है? ये तो मानो एक पेड़ एक होता है, एक पेड़ आधा किलो होता है, तो आधा किलो तो 50 जानवर बहुत काफ़ी है। और यह है नीम गिलोय। अच्छा, ये नीम गिलोय है, तो ये नीम गिलोय इसको छोटी छोटी कटिंग करके बाहर, अभी इसको मैं तोड़ देता हूँ। ये अभी ऐसे नहीं टूटती है क्योंकि ये थोड़ी चिड़ी होती है। अच्छा, ये नीम गिलोय है। हाँ। और नीम गिलोय की मतलब एक जानवर के लिए, ये मान लो एक बिलांद हो गई, तो ये एक बिलांद उसको बोलते हैं, ये 5-6 इंच, ये काफ़ी 6 इंच काफ़ी होती है एक जानवर की, उसी हिसाब से 50 जानवर का डोज हो गया। अच्छा, 50 जानवर। और ये है नीम के पत्ते। अब इसमें ये नीम के पत्ते में ऐसे जो छोटी छोटी ये कटिंग करके ऐसे इसमें डाल दूंगा छोटे छोटे पत्ते, तो ये नीम के पत्ते इसमें से क्या होगा, इसे पेट के कीड़े मर जाएंगे, जो ऊन बुखार होती है दस्तों में वो तो वो भी नहीं होती। और ये देखो इसमें गुड़ डालूंगा, ये 50 बकरों, ये 2 किलो गुड़ है, ये 2 किलो गुड़ काफ़ी है। और ये अदरक, ये अदरक के 1/2 किलो अदरक है, तो ये मान लो एक जानवर के लिए आराम से आधा किलो में सर जाएगी, 20 से 30 ग्राम पर जानवर के लगे तो हो जाएगा। आधा किलो अदरक, आधा किलो अदरक 50 जानवर को। और ये कम से कम 200 या 200 ग्राम या पाव मान लो ये अजवाइन है। अच्छा, 200 ग्राम के लगभग है, 200 ग्राम हो जाओ इतनी है। हाँ, अजवाइन, अजवाइन भी डाल देंगे उसमें। और यह है 200 ग्राम हल्दी है, हल्दी पाउडर। अच्छा, 200 ग्राम हल्दी पाउडर। हाँ, तो हल्दी पाउडर क्या, ये एंटीबायोटिक होती है, तो ये खांसी में भी काम करेगी, पेट में इसकी लीवर में भी काम करेगी, दोनों ही काम कर देगी, ये डाल देंगे। और ये देखो ये है काली मिर्च। अच्छा, काली मिर्च, ये काली मिर्च है, तो देखो ये काली मिर्च है, ये काली मिर्च डाल देंगे। ये मान लो भाई 2 ग्राम पर जानवर की खूब होती है, 2 ग्राम तो 100 ग्राम के लगभग होगी। नहीं, 100 तो नहीं है, ये तो 30 ग्राम है। अच्छा, और ये है इतनी 30 ग्राम, ये लौंग है। अच्छा, लौंग है, लौंग है, इनको सबको बारीक इसका चूरावण करके कूट करके इसको फिर अपन कम से कम 20 किलो पानी में डालेंगे। 20 किलो पानी को बॉयल करने के बाद में मुश्किल से 8-10 किलो पानी रह जाएगा, फिर उस पानी को ठंडा करके 100 ml सुबह शाम 2 टाइम या 3 टाइम इसको
खा देंगे और हमारी बकरी बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगी, न तो इसमें पैसे लगेंगे और न कोई बात। पर किन किन रोगों में फ़ायदा होगा इसमें? देखो ये तो खुरपका, मुँह पका, खुरपका जैसे खुरों में दर्द होना, जैसे मुंह में छाला होना, और एक होता है पीपीआर में जैसे नाकों में पानी आना, दस्त होना, ये पतले दस्त होते, और जैसे नाकों में जैसे पानी आना, छींक आना, दाढ़ी चलना, अक्सर यही बीमारी होती है बकरियों में और लड़ियों में, दोनों में बकरी बकरी लड़ियों में होती है अक्सर, भैंसों में नहीं होती। तो ये ज़रूर इसमें काम करेगी। शायद मीणा है, मैं राजस्थान का हूँ मैं, और मेरा बकरे का जो फार्म है उसका है, सेल परचेज का काम, सेल परचेज का काम करता हूँ, गामा गोट ट्रेडर्स, और ये राजस्थान में है, जयपुर मेरा डिस्ट्रिक्ट है, चौमू तहसील है, और मेरा गांव का नाम चितवाड़ी है। मेरे मोबाइल नंबर 97 84 51 37। धन्यवाद साहब, थैंक यू, धन्यवाद।